फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीसी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। आईटीसी के स्टॉक में काफ़ी समय से बड़ी तेजी नहीं बन रही है, लेकिन अब माहौल बन चुका है कि यहाँ से बड़ी तेजी बन सकती है। तो क्या इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या इसको प्रॉफिट को लेकर बाहर निकल जाना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। साथ में आईटीसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे उस न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्टॉक के ऊपर, और आईटीसी अपने कारोबार को लेकर कैसी अपनी रणनीति बना रही है और उसकी वजह से क्या आईटीसी में नई तेजी की संभावना बनेगी। साथ में फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल के अंदर बहुत आगे तेजी का वातावरण बन सकता है, क्योंकि उसके पीछे है सरकार का एक बड़ा निर्णय और उस निर्णय की वजह से ऊर्जा ग्लोबल के अंदर बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो क्या इस लेवल पे ऊर्जा ग्लोबल खरीद लेना चाहिए, एक बहुत ही छोटा कम कीमत का एक पैनी स्टॉक है, आगे जाके क्या ये आपको मल्टीबैगर स्टॉक बनते हुए दिखाई देगा और ये आपको क्या मालामाल कर सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो क्या फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल में एंट्री के लिए क्या सही समय है और क्या ये स्टॉक के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे फ्रेंड्स, बाजार में क्या माहौल बन सकता है, क्या बाजार में बड़ी तेजी बनने वाली है या फिर से करेक्शन का दौर आ सकता है, वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू या करीब एक से डेढ़ के बीच का टाइम है। आज आईटीसी का स्टॉक 209 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 211 की और ये लो में चला गया 209 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 210 पर, करीब 0.55% अप पर ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील भी हो रही है आईटीसी के अंदर, और फिलहाल स्टॉक 52 वीक से करीब 12.04% नीचे ट्रेड कर रहा है, बड़ी गिरावट नहीं है। प्राइस के अंदर इसकी देखें तो पिछले एक महीने में करीब 1.42% की बढ़त हुई है, लेकिन उस दौरान निफ्टी 50 के अंदर करीब 5.96% की बढ़त हुई है। तो उस हिसाब से निफ्टी 50 के हिसाब से अभी स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस है एक महीने से, और यहाँ से अब माहौल तेजी का बन सकता है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी ब्लॉक डील की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी अभी ब्लॉक डील हुई है। करीब पहली ब्लॉक डील हुई थी 9:18 पर 210.20 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील, उसके बाद 9:28 पर 209.30 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद में फिर से 9:59 पर 210.25 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, फिर 11:58 पर 210.90 की प्राइस से 1.5 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, उसके बाद में 12:34 पर 210.65 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। तो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं इस लेवल पे, इस वजह से लग रहा है कि अब आईटीसी में आगे बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से Q3 का रिजल्ट दिखाया, बहुत ही दमदार रिजल्ट था, और रिजल्ट से एक बात समझ में आ रही है कि FMCG सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है आईटीसी का, और इस कारोबार को सीरियसली वो ले रहे हैं, और साथ में हमने डेयरी प्रोडक्ट के कारोबार की बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो आईटीसी से निकल कर आई है। फ्रेंड, आईटीसी ने सीजी फूड, जो कि एक YY नूडल्स बनाने वाली कंपनी है, उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का मामला दर्ज कराया है, और आईटीसी के फेवर में फैसला देते हुए सीजी फूड के YY नूडल्स के ऊपर अस्थायी रोक लगा दी गई है। सीजी फूड नेपाल बेस्ड चौधरी ग्रुप की कंपनी है, जिस पर आईटीसी के सनफिस्ट ब्रांड के हिप्पी नूडल्स के मैजिक मसाला के कॉपीराइट उल्लंघन का दोष लगा हुआ है, और बेंगलुरु कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है उसके ऊपर, जिसके तहत नहीं तो वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और नहीं इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन आईटीसी ने कोर्ट में अपील की है कि आप YY नूडल पर परमानेंट रोक लगाएं, क्योंकि आईटीसी का कहना है कि यह हमारे प्रोडक्शन की हूबहू नकल है, और आईटीसी के स्पोक पर्सन का कहना है कि हमें YY नूडल के खिलाफ आदेश मिल चुका है और हम चौधरी ग्रुप को मेल करेंगे, और उन्होंने हमारे अगर मेल का जवाब नहीं दिया तो फिर हम प्रेस में जाएंगे, ताकि लोगों को भी सारा मामला समझ में आए कि यह क्या है मैटर, और ताकि आगे से लोग समझ के खरीदारी कर सके। और गौर करने वाली बात यह है कि हिप्पी नूडल का मार्केट शेयर पूरे बाजार के अंदर नूडल्स बाजार में 23% का है, बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रहा है इनका हिप्पी नूडल्स। लगातार आईटीसी के पैकिंग फूड प्रोडक्ट जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और Q3 के दरमियान आईटीसी का FMCG बिजनेस 7.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर आ रहा है। तो इस वजह से आईटीसी ज़्यादा सीरियसली है इस मामले में, वो नहीं चाहते कि उनकी जो कमाई हुई इज्जत है उसके नाम पे कोई और दूसरा पैसा कमा ले, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो हिप्पी नूडल का जो कारोबार है बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है, और उस वजह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस फैसले का निपटारा हो जाए और कोई भी उनके प्रोडक्ट की कॉपी करके पैसे ना कमाए।
तो इस तरफ से एक बड़ी न्यूज निकल कर आई ITC की तरफ से, और ITC का जो स्टॉक है बहुत आगे मजबूत है। और एक बात का आपका ध्यान रखिए, इस लेवल पे आपको ITC खरीद के रखना चाहिए, आने वाले समय में ये आपको माला माल कर सकता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है और इसकी प्राइस बहुत ही कम है इस लेवल से। जो इसकी वैल्यूशन अगर असली की वैल्यूशन देखें उसके कारोबार के हिसाब से, तो इसकी प्राइस कम है और बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं कि इसको खरीद के आपको रखना चाहिए, आगे आने वाले समय में इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कमाई हो सकती है। और फिलहाल ये अपनी बहुत कम प्राइस पर आपको मिल रहा है। जिस तरह से बाजार में बड़ी बढ़त हुई है, इस स्टॉक में इतनी बढ़त नहीं हुई है और अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है, तो इसको आपको खरीद के रखना चाहिए आने वाले समय के लिए। आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 7.45 पर, हाई बनाई 7.55 की और लो में चला गया 7.30 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 7.40 की, करीब 1.37% अप पर क्लोजिंग है और बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है। अगर फ्रेंड्स अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो 1 महीने पहले इसका 12 लाख का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 7 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 6 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन अभी सिर्फ 1 बजे का टाइम में 15 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो पूरे महीने के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पे आज ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसका मतलब बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है, लोगों का इसके ऊपर रुझान बढ़ गया है और एक बहुत छोटा पेनी स्टॉक है जो आगे जाके आपको मालामाल कर सकता है। अभी फिलहाल ये अपने 52 वीक से 31.99% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 महीने में इसमें कोई बढ़त या गिरावट नहीं हुई है। और फ्रेंड्स इस लेवल पर आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही शानदार स्टॉक है। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, Q3 में इसने 0.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिखाया है। और इसके अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें फ्रेंड, तो 70% बाय की कॉल है, 20% सेल की और 10% होल्ड की कॉल है, मतलब 80% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और कंपनी आपको पता ही है ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है और आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की जो आवश्यकता है उसको कम किया जाएगा और सरकार चाहती है कि आने वाले समय में और दूसरे ऑप्शन ढूंढे जाए, यानी वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था की जाए। तो आने वाला जो समय है वो सौर ऊर्जा के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर कारोबार चलेगा आने वाले समय के। तो कंपनी ऑलरेडी पहले से सोलर लैंप का निर्माण कर रही है और बहुत सारे सौर ऊर्जा के प्रोडक्ट बना रही है। तो सरकार जिस तरह से लगातार निर्णय ले रही है उससे लग रहा है कि आने वाला समय ऊर्जा ग्लोबल का ही होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में ऊर्जा ग्लोबल काम कर रही है उस सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है। सरकार ने बिल्कुल ये ठान लिया, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस लगातार बढ़ रही है और जिस वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ रहा है, उन्होंने निर्णय लिया कि ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को तलाशा जाए और इसलिए ऊर्जा ग्लोबल की डिमांड बढ़ेगी और उसके शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अभी ये बिल्कुल पेनी स्टॉक है, इसकी प्राइस बहुत कम है, ये बहुत जल्द मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है अगर इसको चांस मिलेगी आने वाले समय में। जिस तरह से कंपनी ने फंड रेज किया उससे अपने कारोबार को और बढ़ाएगी कंपनी, तो ये इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। बहुत ही शानदार कम प्राइस का स्टॉक है, लेकिन इसमें आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि एक पेनी स्टॉक है, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन ये स्टॉक के ऊपर आप भरोसा रखेंगे तो आपको आने वाले समय में ये डेफिनेटली आपको माला माल कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। और ITC में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।